ओके सो सोने का प्लान था पर नहीं सोया क्योंकि अगर अभी सो लेता तो फिर ये टाइम मिस हो जाता था. इट्स ऑलरेडी 5:30 नाउ. वी गोइंग देयर. देयर इज लेक बिहाइंड. द होल आइडिया बिहाइंड कमिंग हियर वाज लेक साइड टेंटिंग एंड सो वर वी ट्राइंग टू गो एंड सी कि वहाँ का जगह कैसा है. मैं तेरे व्लॉग के बीच में आ रहा हूँ क्या? नहीं ना, मेरी बातें नहीं आ रही ना तेरे व्लॉग में. व्लॉग कर रहा है ऐसा बोला है क्या? तो मैं भी बोल रहा हूँ देखो मेरे व्लॉग में बीच में व्लॉग कर रहा है. या सो द होल आइडिया ऑफ कमिंग हियर वॉज टेंटिंग करना लेक साइड. तो वो जगह पहले देखने जा रहे हैं जिस बिफोर इट गेट्स डार्क. एक बार जगह देख लेते हैं. एक सेकंड मेरे पहला इधर. हाँ लेकिन मैंने तोड़ा नहीं अपने ऊपर. इट्स वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. बहुत काम है. काम मतलब काम नहीं है, इतनी शांत है, आराम वाला काम है. तो हाँ नज़दीक है, एक्चुअली नज़दीक है. हाँ तो यहाँ पे टेंट लगाने वाले हम लोग. दिखाता हूँ मैं वहाँ पर जाके आप लोगों को. अभी सीन क्या हो गया ना, बहुत सारे सीन हो गए अपने साथ. जब हम लोग आ रहे थे जब तो तुम लोगों ने देखा वो ऑफ रोड वाला जो पैच था, वो ज़मीन तो ऐसी थी ना जहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं था. बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं था. ABS बाइक्स भी थी, निंजा भी थी, नॉन ABS. ब्रेक्स पूरे डेडलॉक थे. ब्रेक्स पूरे डेडलॉक थे. इवन आफ्टर ऑल दैट थिंग पैर ज़मीन पर थे पर गाड़ी रुकी नहीं रही थी. वो स्लोप था, ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं था. एंड इन दैट वो बाइक मेरी गिर गई. कल ऐसा और एक सीन हुआ जब मैं सैडल बैग्स मैंने निंजा पे रखे थे. मैंने बांधे नहीं थे क्योंकि मुझे ऑफिस आने लेट हो रहा था. तो मैंने उनको बांधा नहीं था, मैंने सिर्फ रखा था ये सोच कर कि मैं बीच में जाके मेरे ब्रेक में जाके आई जस्ट गो एंड यू नो फिर मैं उनको ठीक से बांध दूंगा. बट नहीं कर पाया वो. लेटर व्हेन आई वेंट टू गो एंड टाई देम मैंने ये देखा कि नई सैडल बैग, यस नई सैडल बैग एक साइड से फट गई है गाइस. वो टायर को घिस घिस के शायद मुझे लगता है टायर के एजेस जो है मेरे जो टायर के एजेस है वो लग कर वहाँ पर फट चुकी है. आई एम लाइक नई टायरिंग बैग तो काम से गई, सॉरी वो नई सैडल बैग तो काम से कम्प्लीटली गई. अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया जब भी मैंने मेरे सामान मेरा निकाला बाहर उसमें से तो देखा तो मेरी ट्रैक पैंट भी फट गई है. पता नहीं मुझे और क्या क्या फटा उसके अंदर. आई जस्ट शो यू दिस. ये रहा मेरी नई ली हुई ट्रैक पैंट थी, ये भी फट गई. और कितने कपड़े फटे अंदर कुछ पता नहीं मुझे. बहुत हादसे हो रहे भाई ट्रिप में. सो आई बेटर बी केयरफुल अबाउट लाइक व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी. फिलहाल तो अभी जा रहे हैं, एवरीबॉडी जस्ट वॉकिंग देयर. बोट लेके तो पानी में जा सकते हैं हम लोग, बट हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं. शौक किसको है भाई डूबने का, तैरने आता नहीं मेरे को. यहाँ से वी गोइंग द अदर साइड ऑफ द लेक. ये द अदर साइड ऑफ द लेक वहाँ पे हम लोग करेंगे. वहाँ पर पहुँचने के बाद हो जाएगा तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं. क्योंकि अभी मैं कैमरा में नहीं भाई, क्योंकि अभी मुझे नीचे देखना पड़ेगा. ये ऐसा है सब पत्थर उधर. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो. तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो. हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें. हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें. जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम. एक बात होंठों तक है जो आई नहीं, बस आंखों से है झांकती. तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज है वो मांगती. जिनको पहन के होंठों तक आ जाए वो, आवाज की बाहों में बाहें डाल के इठलाए वो. लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है. खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बे आवाज है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है. दुनिया से भी छुपता नहीं ये जाने कैसा राज है. या सो वी स्टिल फाइनलाइजिंग द प्लेस फॉर टेंटिंग. लेक पीछे थोड़ा आगे चल के आए हम लोगों ने. यहाँ पे ये उनकी प्रॉपर्टी है, जो होटल है उनकी ये प्रॉपर्टी है. सो यहाँ पर करेंगे तो एडवांटेज ऐसा है कि हम लोग एक बैकअप के इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट भी देख के रख देंगे, जस्ट इन केस अगर कुछ इमरजेंसी आती है. एक बल्ब भी वहाँ पर लगा कर छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिसिटी लगती है या फिर बल्ब लगता है तो हम लोग पावर ऑन कर सकते हैं. बट जो कि हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग ऐसा ना करें, क्योंकि तो एक्चुअल फैक्ट
उसका एक्चुअल मजा जो रहेगा वो ऊपर रहेगा रात को जब मून दिखाई देगा, क्योंकि कल फुल मून डे था। आई होप आज भी ब्राइट स्काई रहेगा, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, हमें चाहिए कि हम लोग पानी के क्लोज करें, बिकॉज पानी के करीब रहेंगे तो जो मून का रिफ्लेक्शन पानी पे गिरेगा ना, विच विल लुक वेरी नाइस। पानी आसपास, इट्स अ गुड फीलिंग है राजस्थान, ये कैसे लगेगा एनी अदर डिफरेंट प्लेस पे किया ऐसा लगेगा, वेर इज दैट इफ यू डू इट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, दैट स्पेशल इफेक्ट यू अंडरस्टैंड राइट, वो आ जाएगा। सो वी थिंकिंग नॉट ओनली क्या करें, अभी यहाँ से एक बार जगह फाइनल कर लेंगे, नमाज चाय भी कर लेंगे भाजी, ये यहाँ से जाके चाय भी पी लेंगे अपन, यहाँ से जाके चाय पी लेंगे फिर। हाँ तो वैसे कह रहे हैं, देखते हैं पहले कौन सा प्लेस डिसाइड होता है एंड देन विल कैच अप। यस गाइस, अभी 5 मिनट पहले उठा, द टाइम इज घड़ी भी पहनी, ओके इट्स 9:10, 8 बजे के आसपास कुछ सोया था मैं, 1 घंटे की नींद मुझे अच्छे से मिली, आई वॉन्टेड इट बैडली बट देन आई वुड स्टिल मैनेज अगर नहीं भी सोता मैं तो, बट इट्स गुड आई टुक रेस्ट, रात को पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, क्या प्लान है अभी। तो प्लान अभी इसके बाद ऐसा है कि अभी हम लोग डिनर करेंगे होटल पर, होटल पर मतलब ये पीछे ये रेस्टोरेंट है उनका, वहाँ पर हम लोग खाएंगे पहले, वो जो बारबेक्यू करने वाली जो चिकन है वो ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हम लोगों ने, दैट प्रिपरेशन इज ऑलरेडी रेडी। खाने के बाद हम लोग वो टेंटिंग का पूरा सामान वो लेकर हम उस जगह पर जाएंगे जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, एंड वहाँ पर टेंट्स प्लेस करके वहीं पर बॉनफायर करेंगे, वहीं पर बारबेक्यू करेंगे, यू गोना स्टे देयर नाउ। अभी तक तो यही है, ठंड अच्छी खासी है, अच्छी खासी मतलब मस्ट बी लाइक अराउंड 22 to 23 डिग्रीज, इंटरनेट नहीं है इसके लिए, ना ही मैं टेम्परेचर चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पर। सोने के बाद मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, टायरिंग थी मुझे, सो ना आई एम फीलिंग फ्रेशर टू, पहले नहाने के बाद फिर मैं सो। सो द चैलेंज वॉज, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्या करें हम लोग, शुड वी गो एंड स्टे इन टेंट और नो, क्योंकि टेंट धीरे धीरे जैसी रात होगी और ठंड बढ़ती जाएगी, ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाने के बाद रियलाइज हो कि गलती की है हम लोगों ने। तो नेवी टू का पोल एंड द मेजोरिटी ऑफ देम अग्रीड टू गो एंड स्लीप इन टेंट्स, तो अब तक तो ये प्लान है। कल सुबह उठकर भीमाशंकर टेम्पल जाकर दर्शन देने का सोच रहे हैं हम लोग, सो लेट्स सी बट कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठेंगे उस पर ही सब निर्भर करता है। तब तक लेट्स सी, आपको दिखा दो बाकी अंदर सब गपशप लड़ा रहे, दे आर हैविंग ऑल गुड टाइम इनसाइड।